अल्लू अर्जुन अब ये एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। इंडिया में ही नहीं, अल्लू अर्जुन को विदेशों में भी लोग जानने लगे हैं। और पुष्पा फिल्म के बाद तो इनके हर एक स्टेप, डायलॉग, इन सभी चीजों को लोगों ने कॉपी भी कर लिया है। और दुनिया के हर हिस्से में इनके स्टेप और डायलॉग की बातें चल रही है। और बहुत ही जल्द इनकी पुष्पा 2 मूवी भी रिलीज होने वाली है। पर सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्म रिलीज होगी। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 मूवी के बाद अपनी एक और जबरदस्त फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे और इस फिल्म का नाम हो सकता है AA23। और माना जा रहा है कि कई सालों पहले अल्लू अर्जुन की अघोरी फिल्म अनाउंस की गई थी, इसीलिए AA23 फिल्म का टाइटल अघोरी हो सकता है, जिसमें अल्लू अर्जुन हमें एक अघोरी के रोल में देखने को मिलेंगे। पर कई खबरें आ रही है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी के बाद हमें एक और एक्शन मूवी आइकन देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद वो AA23 फिल्म के ऊपर काम शुरू कर देंगे। पर अभी इसको लेकर कोई फाइनली अपडेट नहीं मिली है। मेकर्स अभी AA23 फिल्म की कास्टिंग और स्टोरी पर काम कर रहे हैं। फिल्म की स्टोरी कम्प्लीट होने के बाद फिल्म की कास्टिंग को कम्प्लीट किया जाएगा, जिसके बाद हमें फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगी। पर फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन का अघोरी वाला रोल, ये तो पक्का है। फिल्म की बाकी की कास्टिंग की बात करें तो इस पर अभी काम चल रहा है, पर बहुत ही जल्द बाकी की कास्टिंग को भी फाइनल करके हमें अपडेट दी जाएगी। पर सुनने को मिल रहा है कि AA23 फिल्म में हमें बॉलीवुड का भी कोई बड़ा सुपरस्टार देखने को मिल सकता है। अब देखना तो ये होगा कि ये बड़ा सुपरस्टार आखिर होता कौन है। लोगों में अल्लू अर्जुन की AA23 फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है, क्योंकि अब की बार अल्लू अर्जुन हमें अघोरी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी लोग उनको इस अघोरी के रोल में देखने के लिए बड़े बेताब हैं। पर इस फिल्म के लिए अभी हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग में बिजी हैं और 2023 के लास्ट तक पुष्पा 2 मूवी देखने को हमें मिल सकती है। और खबरों की माने तो इसके बाद अल्लू अर्जुन अपनी आइकन मूवी की शूटिंग में लग जाएंगे और 2025 में इनकी आइकन मूवी रिलीज होगी, जिसके बाद इनकी अघोरी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। और अघोरी फिल्म की शूटिंग में लगभग 1 से 1.5 साल का समय तो लगेगा ही, इसीलिए अघोरी फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है, जिसके लिए अभी कम से कम 3 साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पर लेकिन अगर पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन AA23 फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं तो ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगी। बाकी सब मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म को कब रिलीज करना चाहते हैं। पर अल्लू अर्जुन की AA23 फिल्म से पहले हमें इनकी 1 से 2 फिल्म देखने को जरूर मिलेंगी, इसलिए दुखी होने की अभी कोई खबर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।